यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए कैलारस के छात्र अमन शर्मा रात्रि में कैलारस पहुंचे। आज सुबह ही सबसे पहले अमन शर्मा अपने माता पिता परिजनों के साथ कैलारस के प्रसिद्ध बनखड़ी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और मत्था टेक अपनी सकुशल वापसी पर ईश्वर का आशीर्वाद लिया। अमन की माँ ने बताया कि हमारा बेटा अमन पढ़ाई करने विदेश गया हुआ था और युद्ध होने लगा तो वहाँ पर फंस गया। हमें चिंता होने लगी। कल रात्रि में वह घर पहुँचा है। अब हम सब परिवार के लोग प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बरखड़ी जा रहे हैं। बेटी की सकुशल वापसी की जानकारी देते हुए अमन की मां की आंखों में आंसू छलक उठे। बहुत चिंता है रही थी, बहुत परेशान है सब घर, अब आ गया है तो। अमन शर्मा ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन युद्ध प्रारंभ हो जाने से हमें निकलना पड़ा। हम वहां से रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। 3 दिन बड़ी कठिनाई का सामना करने के बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए। इस दौरान रोमानिया के लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की। उसके बाद रोमानिया से भारत सरकार के द्वारा प्लेन से हमें दिल्ली लाया गया। अब कैलारस के बनखंडी हनुमान मंदिर में अपने परिजनों के साथ आकर भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं यूक्रेन के टर्नोपल शहर में MBBS की पढ़ाई कर रहा था, पर अचानक से रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ने की वजह से हम लोगों को अकस्मात स्थिति में वहाँ से खाली करना पड़ा। तो टर्नोपल से हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकले। फिर वहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए लगभग 3 दिन खड़े रह के मैं बॉर्डर क्रॉस कर पाया। उसके बाद क्रॉस करने के बाद आगे रोमानिया के लोगों ने, लोकल लोगों ने काफ़ी मदद की हमारी। खाना पीना, शेल्टर दिया। फिर वहाँ से हमें भारत सरकार के जो प्लान थे वो दिल्ली तक लाए और वहाँ से सीधा।